वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। और अपनी स्टडीज जो है उसको अच्छे से आप लोग जारी रखे हुए होंगे। ग्रेड 9 मैथ्स सेकेंड वीक का ये फिफ्थ लेक्चर, जिसमें हम 1.3 का लास्ट क्वेश्चन जो है उसके थ्री पार्ट्स, जो लास्ट थ्री पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी, फिर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तरफ मूव करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है उसकी थ्री एक्सरसाइजेज हैं और फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये आपकी बेस है, इसलिए मैं काम आपका आराम आराम से करवा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीजें अच्छे से आती हों। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन थी? अगर आप कोई भी मैट्रिक्स लें उसका ट्रांसपोज लें तो वो उसी मैट्रिक्स ए है, तो ए का ट्रांसपोज लें तो ए के इक्वल आ जाए, तो इसको कहते थे सिमेट्रिक। तो इस पे आपको क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज आपको लेना पड़ेगा और ये आपका इक्वल आ जाए ए प्लस ए ट्रांसपोज जो कि आपकी वैल्यू थी। तो लेफ्ट हैंड साइड को लें, ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो आप क्या करें, ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज है ए के एलिमेंट्स 1 2 0 1, 1 2 0 1, और क्या है इसके ऊपर ट्रांसपोज आ रहा है और ब्रैकेट आ रही है, ब्रैकेट के ऊपर होल ट्रांसपोज आ रहा है। ए की जगह ए के एलिमेंट, ए की जगह ए के एलिमेंट उसका ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज। अब क्या करना है, पहले हमने 1 2 0 1 और अब इसका हमने लेना ट्रांसपोज। 1 0 कॉलम है, मैंने रो बना दिया। 2 1 कॉलम है, मैंने रो बना दिया और इसके ऊपर होल ट्रांसपोज लगा दिया। अभी हमें इनको ऐड करना पड़ेगा। ऐड ये आपकी कैसे होंगी, डायरेक्टली कर रहा हूं, पहले आपको एडिशन मैंने सिखाई हुई है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट 1 प्लस 1 में ऐड करते हैं। सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, सॉरी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, और इधर भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इधर भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 प्लस 1 2। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 2 है और इधर 0 है, 2 प्लस 0 2 होगा। फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, इधर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, 0 प्लस 2 2 होगा। सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 है और इधर भी 1 है, 1 प्लस 1 2 होगा, और इधर होल ट्रांसपोज है। अब सारी वैल्यूज 2 2 है, ट्रांसपोज लें तो तब भी वही आएंगी। अब आप क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को करें, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए की जगह पे इसके एलिमेंट्स मैट्रिक्स के 1 0 1 2 0 1 और इधर भी 1 2 0 1 और ऊपर इसका ट्रांसपोज। अभी इसको एज इट लिखेंगे 1 2 0 1 और इसका ले लेंगे ट्रांसपोज। 1 0 कॉलम था रो बन गई, 2 1 कॉलम था रो बन गई। अब इनको ऐड कर दें, फर्स्ट एलिमेंट इधर से भी और इधर से भी 1 प्लस 1 2, इधर से भी सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का, इधर से भी सेकंड एलिमेंट 2 प्लस 0 2 होगा। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इधर से भी फर्स्ट एलिमेंट 0 प्लस 2 2, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 प्लस 1 आपके पास होगा 2। तो देख लें आप, ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज आपका इक्वल है ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो क्या है आपकी वैल्यू, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन थी, कि आप ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लें तो ये आपके पास इक्वल आ जाए ए प्लस ए ट्रांसपोज के। तो हमने ये काम किया तो हमारी बोथ साइड्स इक्वल आ गई, मतलब हमारी वैल्यू क्या है, सिमेट्रिक है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट फिफ्थ के साथ सिमिलर है और फोर्थ पार्ट सिक्स के साथ सिमिलर है, तो मैं अब आपके लिए करूंगा फोर्थ। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्कीव सिमेट्रिक। स्कीव सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन थी, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले तो वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाए। मतलब हमें क्या करना है, अब ए माइनस ए ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज लेना है तो वो आपका इक्वल आ जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, और ब्रैकेट के बाहर आप साथ माइनस लगाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड लें, ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, एक जगह पे इसके
इसका मैट्रिक्स लगा दें 1 0 0 1, और माइनस ए की जगह पे भी इसका मैट्रिक्स 1 2 0 1, इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दें, फिर ब्रैकेट लगाएं और होल ट्रांसपोज। इधर ए लिखा, इधर ए के, इधर ए मैट्रिक्स लिखा, ए मैट्रिक्स लिख के उसके ऊपर ट्रांसपोज, फिर ब्रैकेट, फिर होल ट्रांसपोज। इनको ऐसे ही लिखें 1 2 0 1, और इसका ट्रांसपोज ले लें 0 1, इसका कॉलम है मैंने रो बना दी, 2 1 इसका सेकंड कॉलम है मैंने रो बना दी। अब होल ट्रांसपोज ये आ गया, पहले इनको माइनस करें, 1 माइनस 1 क्या होगा आपके पास, 1 माइनस 1 आपके पास 0 होगा, 2 माइनस 0 क्या होगा 2, उसके बाद क्या होगा 0 माइनस 2 क्या होगा -2, 1 माइनस 1 क्या होगा -2, और इसका होल ट्रांसपोज ले लें। 0 माइनस 2 आपके पास क्या है, कॉलम है रो बना दिया, 2 माइनस 2 आपके पास क्या थी, कॉलम है, इसको भी मैंने रो बना दिया। ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दी। राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं, तो ये होगी ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए की जगह पे इसके एलिमेंट्स 1 2 0 1, और ए ट्रांसपोज की, ए ट्रांसपोज जो है उसकी जगह क्या लिखेंगे, ए के, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट 1 2 0 1, और ऊपर इसका डाल देंगे ट्रांसपोज 1 2 0 1 को एज इट, और इसका पहले ट्रांसपोज ले लेंगे, 1 0 इसका कॉलम था रो बना दी, 2 1 इसका कॉलम था रो बना दिया। अब इनको करेंगे माइनस, आपका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का इधर भी 1 है उधर भी 1 है, 1 माइनस 1 0, इधर आपका फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 2 है उधर 0 है, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 0 0 होगा, इधर आपका 0 है उधर क्या है 2 है, तो क्या होगा 0 माइनस 2 माइनस 2 होगा। इधर आपके पास क्या है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आपके पास क्या आ रहा है -1 है, और उधर भी आपके पास -1 है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास -2, -1 है और उधर भी -1 है, तो ये आपके पास -2 आ जाएगा। सॉरी ये मिस्टेक थी हमारी, ये 1 था और ये -1 था, तो इसको क्या आना चाहिए था 0, और ऐसे ही इधर भी ये भी 1 है और ये -1 है, तो ये 0 आना चाहिए, फिर ये भी 0 करें। तो आप लोग चेक कर लें ए माइनस ए ट्रांसपोज होल आपका इसके इक्वल आ सकता है क्या, कैसे आ सकता है ये, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, ये जो आपका 0, ये +2 है, 1 माइनस मैंने अंदर लगा दिया, 1 बाहर लगा दिया, ये -2 है, इसको मैंने ब्रैकेट के बाहर रख दिया और +2 को अंदर लगा दिया, और 0 नॉन नेगेटिव होता है। जब भी मुझे माइनस कॉमन लेना हो मैं क्या करता हूं, जिस वैल्यू के साथ प्लस है उसके उसका एक वैल्यू के ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा देता हूं, एक बाहर, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं। अब ये माइनस बाहर ले जाते हैं हम 0, ये इसका माइनस बाहर चला गया, 1 माइनस इसके साथ रह गया, इसका माइनस बाहर चला गया, इधर आपका 2 आ गया और ये 0। तो आप लोग चेक कर लें, ये नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया है ना, देखें जवाब वही है, जवाब आपका तकरीबन वही आ रहा है, लेकिन क्या है नेगेटिव ऑफ दिस वन मैट्रिक्स जो है वो बन रहा है, माइनस कॉमन लेने के बाद बन रहा है, वैल्यू यही है ब्रैकेट के अंदर वाली। अगर माइनस कॉमन हम ना लेते तो फिर ये इक्वल नहीं था ना, अब हमने माइनस कॉमन लिया है, तो एक तो ये नेगेटिव ऑफ ए बन गया है, दूसरा ये इसने आप हमारी जो बोथ साइड है इनको इक्वल कर दिया। एक बार फिर आपको बता देता हूं, आपको ए में से ए ट्रांसपोज को माइनस करना है, माइनस करने के बाद जो जवाब आएगा उसका ट्रांसपोज ले लेना है, और राइट साइड पे आपको ए में से ए ट्रांसपोज माइनस करना है, और माइनस करने के बाद आपको इसमें से माइनस कॉमन लेना है, अगर माइनस कॉमन लेने के बाद ये आपकी लेफ्ट साइड बन जाए तो ये आपके पास क्या आ जाएगा नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो फिर ये क्या होगा स्कीव सिमेट्रिक होगा, स्कीव सिमेट्रिक की ये डेफिनेशन है आपके पास। तो ये जो आपके पास फोर्थ पार्ट है ये स्कीव सिमेट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट हम 1.4 स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर है। तो फिर मुलाकात होती है मंडे वाले दिन। अल्लाह हाफिज़।